असल नाजरीन यासमिन तय भी आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए मौजू के साथ और उम्मीद है जिन लोगों ने अपनी स्पाउसल स्पॉन्सरशिप जमा कराई थी जूरिंग कोविड 2020 हज़ार बीस में उनके लिए ये मौजू ख़ास और फहमीत का हामिल है क्योंकि कई एप्लीकेशनस वापस की जा रही हैं कनेडियन इमिग्रेशन की जानब से क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन कम्प्लीट नहीं है ठीक है तो आपको याद होगा कि कोविड के दौरान जब आ, हालात ऐसे हुए कि फ़ोटो स्टूडियोज़ या पुलिस स्टेशन वगैरह जब डॉक्यूमेंट्स इशू नहीं कर रहे थे लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में तो जो इस्पाउज़ल एप्लीकेशन थी उनको हिदायत मिली थी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से कि कोई बात नहीं इट्स ओके जो भी आपके पास हैं डॉक्यूमेंट्स आधे अधूरे आप लगाकर हमें भेज दें और जब हम आपसे जब ये सब, सब हालात दुरुस्त होंगे सही होंगे तो हम आपसे जो मिसिंग इंफॉमेसन है मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं हम आपसे मांग लेंगे तो इसी भरोसे पर सब लोगों ने बग़ैर वो तस्वीरों के बग़ैर पुलिस सर्टिफिकेट के और जो भी चीज़ मिसिंग थी उन सब के साथ एप्लीकेशन उन्होंने भेज दी अब क्या हो रहा है गुज्तर हफ्ते से धड़ाधड़ वो एप्लीकेशंस जिन्होंने खुद से किया था उनको वापस आ रही हैं या जिन्होंने लॉयर्स या कंसल्टेंट्स हायर किए थे उन सबको वो एप्लीकेशन वापस आ रही हैं कि अब आप ये सारी चीज़ें जमा कराएँ और अब क्यों में भी नहीं हैं काफ़ी लोगों को यही आई है कि अब क्यों में भी नहीं है ठीक है और इसमें सिर्फ पुलिस सर्टिफिकेट या तस्वीरों की बात नहीं है ट्रांसलेशन की भी बात थी बहुत सारे लोगों ने अपने बग़ैर तर्जुमा किए हुए अंग्रेज़ी में डॉक्यूमेंट्स भी जमा करा दिए थे तो उसकी वजह से भी काफ़ी फाइल्स रिटर्न हुई हैं और मैं इसलिए कह रही हूँ उस वसूख से ये बात कि मैं सर्टिफाइड ट्रांसलेटर भी हूँ तो मेरे पास गुज्तर हफ्ते से और आज तक एक तरजुमों की भरमार हो गई है उसका रीज़न यही है कि लोगों ने बग़ैर ट्रांसलेशन कराए जो भी डॉक्यूमेंट्स है बस उन्होंने का फाइल सबमिट हम कर देते हैं क्यों में लग जाते हैं अब हो ये रहा है कि क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं तो फाइल्स रिटर्न हो रही हैं और मुझे एक दो दिसंबर में एक ऑनलाइन मैंने सेशन अटेंड किया था और ये एक बहुत मशहूर लॉयर हैं वो जो हर वक्त एक ग्लोब लेके बैठ जाते हैं और मुस्बिल के बारे में बताते हैं कि क्या होगा इमिग्रेशन के मुस्कबिल के बारे में तो उन्होंने कहा था ये इससे पहले भी इस तरह का हो चुका है और अब होगा ये ये उन्होंने 2020 के दिसंबर में पेशेंट गोई की थी ठीक है कि होगा ये कि अभी तो गवर्नमेंट कह रही है ठीक है आप भेज दें सब इमिग्रेशन भेज दें आप सारी चीज़ें और फिर ये होगा कि उसी हिसाब से होल में सारी एप्लीकेशन रिटर्न होंगी और ये हो रहा है तो और मेरे पास कई के केसेस ऐसे आए हैं डू इट योर सेल्फर्स जिन्होंने खुद से अपने केसेस किए थे और अब जाहिर है क्यों में भी नहीं है वो और बहुत परेशानी की बात है उनके लिए कि अब इस वजह से दोबारा से उनको लाइन में लगना पड़ रहा है और पड़ेगा तो आप परेशान ना हो अगर आपको मशवरा चाहिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं और जितनी भी आपको मदद मुझसे दरकार है इंशाल्लाह मैं आपकी मदद करूंगी और उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपकी फ़ाइल को दोबारा बैक ऑन द ट्रैक भेजने की हम लोग कोशिश करेंगे ठीक है तो परेशानी की बात नहीं है इन शाह आप कॉल कीजिएगा और अगर मशवरा चाहिए तो मशवरा अपॉइंटमेंट चाहिए तो जूम पे अपॉइंटमेंट भी होगा और जितना भी आपको मुझसे काम कराना है इन शाह तल बी देर फॉर यू ठीक है तो ये तो थी जो फाइल्स रिटर्न हो रही हैं उनके बारे में बात दूसरी बात जो करूँगी वो ये है कि अच्छी बात है कि के जो केसेस मैंने 2019 में किए थे उनके फाइनलाइज्ड वर्जन uh, अब आ, आ रहे हैं कॉपर लोगों को मिल रहे हैं कन्फर्मेशन पी आर वो मिलना शुरू हो गए लोगों को लोग लैंड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो केसेस अब थ्रू हो रहे हैं और जो मैंने 2020 के एंड में किए थे यानी नवंबर uh, में दिसंबर में और ट्वेंटी uh, के शुरू में माशाला उन सब की एक्नॉलेजमेंट भी आ रही है और वो केसेस बहुत तेज़ी से आगे हैं लोगों के मेडिकल्स भी आ गए हैं और बायोमेट्रिक्स के लिए भी और केसेस उनके ओवरसीज़ जो ऑफिस है वहाँ पे मुंतकिल किए गए हैं तो ये ये एक अच्छी न्यूज़ भी है साथ साथ तो इमिग्रेशन अपने हिसाब से जो कर सकते हैं इन हालात में वो कर रहे हैं इमिग्रेशन मिनिस्टर जो आ, उनके आ, इख्तियार में है और आ, तो ये मैं समझती हूँ कि ये खुशाइन बात है उन लोगों के लिए जो अब जमा कराने जा रहे हैं अपने केसेस इस्पाजल इस्पॉन्सरशिप के चाहे वो इनलैंड हो चाहे ओवरसीज़ हो ठीक है तो इस सिलसिले में अगर आपको आ, कोई भी आ, मदद चाहिए आप मुझसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं इन शाह तेरे कॉन्टेक्ट की इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे कि मेरे वीडियो में आपको मिल जाएगी तरजुमे के हवाले से एक और बात कहना चाहूँगी कि सर्टिफाइड ट्रांसलेशन हमारे ऑफिस में दस्याब है मैं सर्टिफाइड ट्रांसलेटर हूँ उर्दू से इंग्लिश और अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारी जो दस्तावेजात हैं पाकिस्तान की आ, नादरा के फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या नादरा का मैरिज रजिस्ट्रेशन या बर्थ रजिस्ट्रेशन आप नोटिस करते हैं कि वो आधे उर्दू आधे इंग्लिश में होते हैं और मैं अपने क्लाइंट्स को यही मशवरा देती हूँ कि बेहतर है कि आप वो एक तर्जुमा साथ लगा के भेजें क्योंकि जिस ऑफिसर के पास भी ऑनलाइन जा रहा है उसको हो सकता है कि उसे समझ में ना या कन्फ्यूजन हो और आपकी फ़ाइल में डिले हो तो इस सिलसिले में भी अगर कोई आपको बात करनी है मशवरा लेना है या तर्जुमा कराना है तो आप रब्ता कर सकते हैं नाइन ओ फाइव फाइव वन थ्री जीरो ज़ीरो वन टू या कैन इन सोल्यूशंस डॉट सी ए ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा इन अगले हफ्ते नए मौजू के साथ फिर मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़ नासर सामेक्म व बरकात